Trumpet. हेलो फ्रेंड्स, सो टुडे वी बैक विद अनदर वीडियो। तो आज का हमारा जो वीडियो होगा वो होगा आइडल स्टूडेंट जो एफवाई बीकॉम, टीवाई बीकॉम या एसवाई बीकॉम के जो एग्जाम्स फॉर्म भर के रखे हैं, मुंबई यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम्स कब स्टार्ट होंगे उसी के बारे में, उसी के रिलेटेड आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले अगर आपने चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपका ही चैनल जेएस कॉमर्स प्लस, ठीक है। अब देखो इसके कुछ कमेंट्स में, मतलब जो पेपर कब से स्टार्ट हो रहे हैं ये सब डेट आपकी आ चुकी है, ठीक है, तो वो हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहते हो ये सब चीज कहाँ आप लोग देख सकते हो, और मैं इसकी पीडीएफ की फाइल भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा। लेकिन इसके अगर आपको खुद प्रूफ चेक करना है तो mu.ac.in ये साइट पे आप जाके खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कैसा क्या है करके। तो अब हम देख लेते हैं कैसा, जैसे थर्ड ईयर बीकॉम का जो पेपर स्टार्ट होगा 4 मई को स्टार्ट होगा, तो आपको दिया हुआ डेट ऑफ कमेंसमेंट, अगर आप हो सके तो मेरे स्क्रीनशॉट पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको दिखेगा डेट ऑफ कमेंसमेंट 4 मई 2020 थर्ड ईयर बीकॉम। ये पीडीएफ है तुम्हारे मुंबई यूनिवर्सिटी से, हम लोग ने क्या किया इसको अपलोड मतलब डाउनलोड करके मैं आपको सामने दिखा दू, या आप खुद भी चेक कर सकते हो। उसके बाद फर्स्ट ईयर बीकॉम का पेपर स्टार्ट हो रहा है 31 मार्च टू 9 अप्रैल। लेकिन देखो ये 9 अप्रैल ने शायद से थोड़ा सा एक्शन किया गया ताकि एफवाई बीकॉम का एग्जाम टाइम टेबल आ चुका है, वो इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, ठीक है, कौन से दिन में कौन सा पेपर है। उसके बाद सेकेंड ईयर बीकॉम 9 अप्रैल टू 21 अप्रैल, ठीक है। तो ये डेट टेंटिविटी है, थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, तो प्लीज आप हमेशा चेक करते रहिए कैसा कुछ डेट चेंजेस तो नहीं हो रहा है। इसके बाद में थर्ड ईयर बीए का हो रहा है 20 मई 2020। इस तरह से तुम्हारे पूरे कोर्सेस जो तुम्हारे एफवाई बीकॉम एसवाई बीकॉम आर्ट्स जो साइंस हो तो ये सबके टाइम टेबल अनाउंस हो चुके हैं। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन दैट इज एमकॉम, तो एमकॉम की जो एजुकेशन के डिपार्टमेंट है एमए करके जो है 26 मई 27 मई एमकॉम पार्ट 1 1 जून को स्टार्ट हो रहा है और एमकॉम पार्ट 2 हो रहा है 2 जून 2020। सो ये सब डेट है, आप अपने हिसाब से चेक कर लो आप कौन सी फील्ड का एग्जाम भर रहे हो, आपका एग्जाम कौन सा है, तो उसके हिसाब से प्लीज चेक कर लेना और कॉन्टेक्ट में रहना। जैसे कि पीजीडी और एम फीचर एवरी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएशन सब कुछ दे चुका है, इसकी पीडीएफ भी मैं आपको इसी के वीडियो के लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए ये तो हो गई एग्जाम डेट की बात, तो हम लोग खुद पता कर लेंगे। जैसे डेट पता चल जाए आपको 3-4 दिन के बिफोर द 2 or 3 days यू हैव टू डाउनलोड योर हॉल टिकट, आपने जब फॉर्म भरे होंगे वो हिसाब से आपको अपना पासवर्ड पुट अप करके अपना हॉल टिकट डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है। अब करना कैसे, जैसे जो एसवाई के एग्जाम दे रहे थे उनको शायद से पता होगा कि एग्जाम्स कैसे कंडक्ट होते, क्वेश्चंस किस तरह से थे। लेकिन जो एफवाई बीकॉम के आइडल स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर दे रहे पहली बार यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, मतलब जो बोर्ड एग्जाम दे रहे तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है ताकि प्राइवेट HSC और आइडल एफवाई बीकॉम इज टोटली डिफरेंट, क्योंकि जो प्राइवेट के 12 के बच्चे होते थे उनके लिए और नॉर्मल रेगुलर का पेपर सेम होता था, लेकिन आइडल और रेगुलर के जो एग्जाम्स होते हैं डिफरेंट होते हैं ताकि रेगुलर के सेमेस्टर वाइज होते हैं, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। लेकिन आइडल में एक ही सेमेस्टर लास्ट में होता है, उसमें पूरा खत्म कर दिया जाता है पूरा सिलेबस, उस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं ये सब के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लास्ट ईयर क्वेश्चन 5 years क्वेश्चन पेपर की बुक मिलती है मार्केट में, ओके। उस जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट है मैथ्स अकाउंट FC, BC, EBS, प्लीज आप वो बुक परचेस करके एक भी एकदम आराम से, और जो क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं फायर उसमें आंसर्स भी होते हैं, अगर आप उतना भी रिफर करके जाओगे ना तो एकदम इजीली आप पास हो सकते हो। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि अगर आपको कुछ पर्सनल क्लासेस की जरूरत है ट्यूशन की जरूरत है सो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट एंड आई एम मेंशनिंग माय नंबर, श्योरिटी जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा मैथ्स में और अकाउंट में बाकी और कोई थ्योरी सब्जेक्ट में श्योरिटी वही क्वेश्चन आएगा। अगर आपको ये सब चेक करना है जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ एग्जाम में आते हैं या नहीं, तो आप मेरे पहले के वीडियो देख सकते हैं, 12th के जो वीडियो आ चुके हैं जो 10th के वीडियो आ चुके हैं, जो जो मैं बोलता था वैसे सेम टू सेम आपको क्वेश्चन पेपर में मिलता था। उसी तरह हमारे जो गेसिंग्स होती है जो एग्जाम में आ सकते हैं तो हमारे टेंटिविटी के हिसाब से वो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं आपको 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ तो समझो 3 तो आपको बोर्ड एग्जाम में मतलब आपके एग्जाम में मिलते ही मिलते हैं। अगर आप इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए आपको पर्सनल ट्यूशन की जरूरत है क्लास ज्वाइन करना है तो आप मैं
अपना नंबर मेंशन कर रहा हूँ, आप अभी भी क्लास ज्वाइन करते हो एफ वाई बीकॉम एस वाई बीकॉम एंड टी वाई बीकॉम स्टूडेंट ऑल्सो, अगर आपने अभी तक साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो भी अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तीनों अकाउंट में कवर करने की कोशिश करूंगा बहुत जल्दी और आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं अपने आइडल एग्जाम्स को, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस वीडियो में आपने देखे है आपका एग्जाम कब से स्टार्ट होने वाला, प्लस आप स्टडी किस तरह से करनी है वो भी मैं बता दें, लेकिन अगर आपको स्टडीज करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है नहीं समझ में आ रहा तो आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, मैं अपना नंबर मेंशन कर चुका हूँ, ठीक है। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जो बताते हैं वो एग्जाम में आते नहीं, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके खुद चेक कर लेना, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना कि एग्जाम में आया है या नहीं, आपको उससे प्रूफ पता चल जाएगा, ओके। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई फ्रेंड्स तो प्लीज एक लाइक कर देना, शेयर करना, बोलना मत जितना हो सके अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड जो आपके आइडल स्टूडेंट होगी, जो आपके आइडल फ्रेंड्स होंगे जो बने हैं ये, तो उनको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हो सके तो मैं मैथ्स के भी इसमें वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज जितना हो सके चैनल को शेयर करो और वीडियो को भी शेयर करो ताकि ये एफआई बीकॉम जो आइडियल के बच्चे होते हैं इतना ध्यान नहीं दे पाते, एग्जाम्स कब है उनकी डेट चली जाती है या उसके हिसाब से लोग प्रिपेरेशन भी नहीं कर पाते, एक हफ्ते पहले पता चलता है, तो अभी भी आपके पास में 10 से 15 दिन है एफआई बीकॉम वाले के लिए, तो प्लीज अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करो, शायद से किसी की हेल्प हो जाएगी आपके शेयर करने से, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।